हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसमें हम टॉपिक आठवां पढ़ेंगे। एक बार विषय सूची देख लेते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और कौन से अभी हमसे छूट रहे हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, दूसरा है पृथ्वी के स्थल रूप, तीसरा है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जिसमें हमने आंतरिक कारक और बाह्य कारक देखे थे, वायु की गतियां, समुद्र की गतियां, और हमको आगे पढ़ना है प्राकृत प्रदेश एवं जनजीवन। यानी कि हमको अब ये देखिए, यहाँ पे ये चार टॉपिक और बचे हैं, हमको यही चीजें पढ़नी है, प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन, ये चार टॉपिक में। लेकिन हमारा क्षेत्र जो अलग होगा, पहले हम देखेंगे विषुवत प्रदेश, फिर देखेंगे सवाना प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश और टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, हमको पढ़ना है टॉपिक आठ, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, और पढ़ेंगे हम विषुवत रेखीय प्रदेश। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखा आप जानते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। दिया है हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों, ये सब चीजें आप जानते हैं, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देख लेते हैं येलो बॉक्स में, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। और मौसम किसे कहते हैं, किसी एक दिन के मौसम में जो परिवर्तन होता है उसे हम मौसम परिवर्तन कहते हैं। जब इसी मौसम परिवर्तन को एक दीर्घ काल तक अध्ययन करते हैं तो वो हमारा होता है जलवायु। फिर आगे दिया है, इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र जलवायु मृदा वनस्पति के औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। जब हम एक प्रदेश के लिए पढ़ेंगे, जैसे हम भूमध्य रेखा को पढ़ रहे हैं, तो भूमध्य रेखा में आपका उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप भी आते हैं। तो यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप में जो स्थितियां आपकी हैं वो उत्तरी अमेरिका में होंगी, ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। फिर देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती है, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती है। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने के मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। फिर देखिए, आगे दिया गया है, आपको कटिबंध दिखाए गए हैं किस तरह से है। भूमध्य रेखा है, इसके दोनों तरफ जो है ये उष्ण कटिबंध, फिर और इधर जाते हैं हम तो हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ हम नीचे आते हैं तो दक्षिणी शीतोष्ण, यानी कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो उसी नाम से हम जानेंगे। फिर ये दोनों पोल जो होते हैं वो हमारे उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाते हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे दिया गया है पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों, जो पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है, ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु को इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि पूरे विश्व को। कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, तीन हैंगे, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसमें आपका था विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है हमारा शीत, यहाँ पे ठंडी है और न ही ज्यादा गर्मी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसमें आपका था भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मध्य पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, और है चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। और जो थर्ड हमारा होता है शीत कटिबंधीय प्रदेश है, के दोनों पोलों को कहते हैं, जिसमें टुंड्रा प्रदेश और टैंगा प्रदेश आते हैं। आगे हम देखते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, यहाँ से हम पढ़ेंगे। दिया है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही का नाम है, इसके भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तरी व 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। फिर ये दिया है विषुवत प्रदेश का विस्तार है, यहाँ से विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट आते हैं, और अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट, और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। फिर दिया इसे एटलस पे देखिए, जलवायु, अब देखिए हम विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर घुस रहे हैं और हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे जलवायु, विषुवत रेखा में तापमान पूरे वर्ष अधिक होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे पड़ती हैं और सबसे ज्यादा तापमान यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा नजदीकी क्षेत्र होता है सूरज से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण दोपहर के बाद यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। देख लेते हैं, इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है, यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, बस स्वच्छ अच्छी धूप होती है, और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप और नमी के कारण उमस बनी रहती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए हानिकारक एवं कष्टदायक होती है, इसलिए यहाँ पे जो जीवन है बहुत ही विरल है और दुर्भर है। फिर यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप है, ये बच्चों के लिए है, नीचे आपको चित्र दिया है, इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं,
देखिए आगे क्या दिया है, क्या आप जानते हैं, ये भी बच्चों के लिए है। फिर ये आ गया आपका वनस्पति, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वनस्पति, यानी कि वहां पे विषुवत रेखीय प्रदेश में आपको किस तरह की वनस्पति मिलेगी। तो देखते हैं, यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप जानते हैं पेड़ों के लिए वर्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा हो, प्रतिदिन वर्षा हो, तो वहाँ पेड़ भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसलिए वहाँ पे सदाबहार यानी कि ऐसे वन पेड़ होते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, और सदा हरे भरे होने के कारण इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं तथा इनमें घने व ऊंचे होने के कारण जो सूरज के प्रकाश व जमीन की सतह तक नहीं आ पाते। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियां, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसे विशालकाय पशु भी इनके अंदर जाने से घबराते हैं। फिर दिया है इन क्षेत्रों में आपको पेड़ कौन कौन से मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनुस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वो देखिए, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा यानी कि कुनैन बनाई जाती है। प्रश्न यहाँ बनेगा कि कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो आपको आंसर होगा सिनकोना वृक्ष की छाल से, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वैसे फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विषय से उनके लिए, और जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण, यानी कि ये बुक्स ऐसी बुक है जो दोनों पेपर्स को तैयार करने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। देख जैसे ये सिनकोना वृक्ष की छाल मलेरिया की दवा कुनैन से बनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन सामाजिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पर्यावरण के लिए भी। आगे चलते हैं, अब आगे दिया है जीव जंतु। जीव जंतुओं में देखिए क्या देखना है आपको, आप जानते हैं कि विषुवत प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं, वर्षा के कारण घन जो पेड़ है वहाँ पे घने होते हैं, और यहाँ वनस्पति का भरा पूरा संसार है। सबसे ज्यादा वनस्पति भूमध्य रेखियों में पाए जाते हैं और विविध प्रकार के पाए जाते हैं वर्षा के कारण। तो दिया है यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेड स्थोट, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर आदि पाए जाते हैं। और पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमेन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। और खुले वन में रहने जो खुले वन में रहने वाले कौन कौन से जीव हैं, जैसे भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलेपाक्स, कछुआ आदि पाए जाते हैं। फिर दिया है येलो बॉक्स में, देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नाम की एक मक्खी होती है, जहरीली मक्खी काटे से मनुष्य को, और अगर ये मक्खी इंसान को काट ले तो बहुत लंबी नींद में चला जाता है, और इसी कारण से लोग ये मक्खी जो ये मक्खी है सीसी मक्खी है ये सतह पर यानी कि जमीन पर ज्यादा पाई जाती है, और ऊंचाई पर आप जाएंगे तो कम मिलेगी, और यही कारण है कि यहाँ पे जो मनुष्य वह पेड़ों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे मानव जीवन कैसा है, अगर हर तरह की विषमता है तो मानव जीवन भी दुभर ही होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक गर्मी पड़ती हो, प्रतिदिन वर्षा होती हो, तो वहाँ पे मानव जीवन अच्छा नहीं हो सकता। ये जीवों के लिए और पौधे के लिए तो एक अच्छी बात है, बट इंसानों के नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में नम वर्षा गर्म जलवायु स्थान से बहुत हानिकारक है, इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर और अफ्रीका में जायरे नदी का जो क्षेत्र है, कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, यानी कि कुछ ही आदिवासी जातियां रहती हैं यहाँ पे, जिनमें अमेजन घाटी में, या अमेजन कहाँ पर आपका अमेरिका में है, और यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती है उसे बोरो कहा जाता है। जायरे यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में इन जनजातियों को पिग्मी कहा जाता है। मलाया में यानी कि इन जातियों को सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे ओठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंख वाले होते हैं। फिर यह ये पेड़ों पर मकान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं पेड़ों पर। मैंने कहा ना कि सीसी मक्खी नीचे पाई जाती है, तो इस कारण वो ऊंचाई पर रहते हैं, तो पेड़ों पर इनका घर होता है। फिर यह निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। फिर ये लोग काफी मक्का, ओको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर के घुटने तक, वृक्षों की छाल तक, पत्ते से शरीर को ढकते हैं। फिर आगे देखिए दिया है अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या है। अब यहाँ पे ये लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, क्योंकि भाई जीवन यापिका के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए व्यवसाय करना पड़ेगा तभी उनको मिलेगा। तो दिया है पहला तो वो शिकार करते हैं। शिकार किसका करते हैं, जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। अब जंगली पशुओं का शिकार किस लिए करते हैं, तो मांस के लिए और खाल व हड्डियों के लिए करते हैं,
और मछली का जो शिकार होता है वो मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए होता है। फिर दिया है वन वस्तु इकट्ठा, यानी वनों द्वारा वो वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, तो किस लिए देख लेते हैं, कंद मूल फल केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए, तो उनके पर्चने। लेकिन ये जो तीन दिए हैं, तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटियां, हाथी दांत जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का, दूजे रबड़ का एक पेड़ होता है उससे दूध निकाला जाता है, तो ये तीन चीजें वो अपने व्यापार के लिए दिया है। इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदने के लिए वो इकट्ठा करते हैं। फिर आगे आता है कि वो चलती फिरती खेती करते हैं, ये झूम की खेती है। चलती फिरती को खेती को हम झूम के, मैं इसे अगर इन पूरी बातों को अपने शब्दों में कहूँ तो यही कहा जा सकता है कि झूम की खेती होती है वनों को काट कर उन्हें साफ कर कर खेती करना। कुछ समय उपरांत इस क्योंकि ये खाद वगैरह का तो यूज करते हैं नहीं, जिसके कारण से 5-6 सालों में ये मिट्टी इन उपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसका उपजाऊपन समाप्त होता है, जिसके कारण से वो फिर पुनः दूसरी जगह पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। तो ये झूम की खेती कहलाती है। एक स्थान पर रहकर 5-6 साल तक खेती करना, फिर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये झूम की खेती के अंतर्गत है। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में इस बार आया था कि चलती फिरती खेती या स्थानांतरित खेती कहाँ होती है, तो ये आपका भारत से रिलेटेड था कि पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में था। तो झूम की खेती आप देख रहे हैं कहाँ पर है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, लेकिन आप भारत में भी कुछ हिस्सों में होती है ये। फिर आगे दिया है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, तो दिया है द्वीप अन्य विषुवत रेखीय प्रदेशों के जो क्षेत्र है उनसे भिन्न है। किस मामले में, इस द्वीप पे जो मिट्टी है वो लावा द्वारा निर्मित है और तकनीकी विकास भी हुआ है, जिसके कारण यहाँ के किसान खेती करते हैं, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर दिया है विषुवत प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और ये क्षेत्र जो है वो पे खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ के बॉक्साइड, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनों लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। अब इतने विकास हो रहा है तो जिसके कारण यहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, और जंगलों के काटने से पौधे व जीवों के अनेक प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, और ये स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रही है। फिर देखिए आगे दिया है, ये ब्लू बैक्स में देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिया है ब्राजील संसार के विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि कहवा सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, तो वो ब्राजील में, और ब्राजील कहाँ है, विषुवत रेखीय प्रदेश में आता है, और ये कहवा उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है अपने पास, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर है गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, गिनी तट आपका अफ्रीका में आता है, और ये देखिए पहले आप देख लीजिए, देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे एक गिनी देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और गिनी देश में विषम स्थितियां होने के कारण यहाँ पे इसे श्वेत बीमारियों की कब्र कहा जाता है। फिर यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड्स, इसमें और कुछ नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो है। यहाँ पे देखिए दिया है, मैच करने के लिए दिया गया है, दिया है पिग्मी, पिग्मी सही जोड़ा बनाना है, तो पिग्मी कहाँ से है, पिग्मी आपका अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा है आपका, जायरे घाटी आती है अफ्रीका, तो पिग्मी आपका जाता है जायरे घाटी में। अब आता है बोरो, बोरो उत्तरी अमेरिका के निवासियों को कहा जाता है, और ये कहाँ आता है, ये अमेजन घाटी में आता है, और सेमांग आपका मलाया में आता है। फिर दिया है सही गलत बताना है, पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं, ये गलत बात है, वो छोटे होते हैं और काले होते हैं, अधिक तापो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन होते हैं, ये सही है क्योंकि आपने ये भी यही अभी पढ़ा है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, नहीं वो घास फूस से पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं, ये गलत है। अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो भी क्षेत्र आता है पर्यावरण की घाटी है, जैसे कि वन है, वो आपका पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।